ये हमारा जो है एम जी सेट है, ठीक है। ये हमारी एम जी सेट में क्या है, ये हमारी मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये हमारा जनरेटर है, ठीक है। ये हमारा जो मोटर है ये इसको घुमाने का काम कर रहा है, यानी कि इसका प्राइम मूवर काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा पैनल जो है इन्हीं दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो था आपको ये दिखाई दे रहा है वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका इंडक्शन मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए क्या है, यहाँ का आपका हमारे एडवांस दिखाई दे रहे हैं। ये आपके इनपुट सप्लाई के हैं, यहाँ पर हमारे तीन इंडिकेटर लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद में ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये हमारे एमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन करेंगे, ठीक। इसकी छः वायर निकलती है, छः वायर हम वायर के थ्रू यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो थ्री फेज सप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको चेक करना पड़ेगा कितनी आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर कैसे लगता है पैनल में, तो वही काम हमने किया L1 से और L2 से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, ठीक है। वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एमीटर भी लगाना है। तो हमने क्या किया, L3 से एक एमीटर लिया, एमीटर को कनेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो लगे हैं, ठीक है। अभी स्टार्टर के ऊपर सप्लाई नहीं गई है, हमारा स्टार्टर है ऑटोमेटिक वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो L1 है, देखो तीन फेज का है तो तीनों फेज देने पड़ेंगे। तो जो L1 वाला है, L1 वाले से हमने L1 को कनेक्ट किया, ठीक। अब दूसरे वाला जो है L2 है हमारा, तो हमने क्या किया, L2 को L2 से कनेक्ट किया, L2 को स्टार्टर के L2 से कनेक्ट किया, ठीक है। अभी जो तीसरा फेज है वो देख रहे हो आप, एमीटर के एक टर्मिनल में गया है, अभी स्टार्टर के ऊपर लाना है उसको। तो हमने क्या किया, इसको एक वायर लेकर के यहां से उठाएंगे इस बार, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है। तो देखो अगर देखा ध्यान से देखें तो ये L3 है, L3 का पहला टर्मिनल इससे कनेक्ट किया एमीटर से, दूसरा टर्मिनल लेकर के हमने क्या किया, जो L3 है स्टार्टर के अंदर उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया। ये हमारे हो गए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन, ठीक है। अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं, ये आपकी जो मोटर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये रन हो गई, ठीक है। ये हमारा है DC जनरेटर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ एक्साइटेड DC शंट जनरेटर बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए पैनल दे रखा है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, DC का वोल्ट मीटर है, कितनी वोल्टेज बनाएगा ये वो बताएगा। ये एमीटर है, कितनी करंट लोड लेगा उस टाइम पे बताएगा, ठीक है। एक ही हमारा लाइट स्विच लगा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो देखो शंट बनाना है, तो शंट में क्या होता है, इसमें हम आर्मेचर को फील्ड को कैसे पहचानेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस हमारा लगभग 15 ओम के आसपास आएगा वो हमारा आर्मेचर का, जिसका हमारा 300 के आसपास आएगा वो हमारा फील्ड का। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को शॉर्ट करना है, आर्मेचर और फील्ड को, ठीक। जैसे यहाँ पर शॉर्ट किया सेम ऐसे ही शॉर्ट करना है आपको, यहाँ पर दोनों साइड में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आउटपुट लेनी है। तो आउटपुट के लिए देखो ये वायर दोनों के दोनों एक टर्मिनल हो चुके, क्योंकि शॉर्ट करके हमने वायर से, और ये वाले हमारे एक हो चुके, ठीक है। तो हमने दो वायर उठाई और सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो जनरेटर है वो कितनी वोल्टेज दे रहा है। उसके लिए क्या किया, यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं, अभी क्या हुआ, जब हमने इसको मोटर को स्टार्ट किया तो जो हमारा DC वोल्ट मीटर है इसका पॉइंटर नीचे को जा रहा था, क्यों, क्योंकि जिसके द्वारा हमने जो प्लस माइनस लिया है वो उल्टे जुड़ गए हमसे। तो हमने क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद दोबारा हमने चलाया, तो आप देख पा रहे हो 500 वोल्ट के आसपास ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हमें 500 वोल्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 500 वोल्ट बहुत ज़्यादा होती है और जो भी हमारी मशीन है वो कम रेटिंग की है। तो हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमने रियोस्टेट की हेल्प ली, ठीक है। ये रियोस्टेट है भैया आपका। अब हमारे पास दो मेथड पर निकल करके आते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। एक आता है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, एक आता है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड को करके देखेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा रियोस्टेट था, हमने जो किए थे कनेक्शन फटाफट से इन फील्ड के और आर्मेचर के बीच में इस रियोस्टेट को लगा दिया,
ठीक है, एक वायर हमारी जो की थी पहली वायर लगी हुई है। अब देखो हम करेंगे स्टार्टिंग में आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या कर रहे हैं, जो हमारा रियोस्टेट है इसको आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया, रियोस्टेट। रियोस्टेट लग करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब इस फील्ड से हमें सप्लाई उठानी है और इस सप्लाई को उठा करके इसमें वोल्टमीटर पे कनेक्ट कर देना है। ये हमारा जो रियोस्टेट है ये फिलहाल हमारा फील्ड उसके आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है। एक बार इसको चालू करके देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 500 वोल्ट के आसपास बिजली दे रहा है। अब हम रियोस्टेट को मूव करेंगे, अब हम रियोस्टेट को मूव करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज हमारी बहुत जल्दी से ड्रॉप हो रही है। दिखाओ दिखाओ, सॉरी सॉरी, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और वोल्टेज हमारी जो है कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये तो था हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आती है, देखो जितनी भी वोल्टेज बिल्डअप होनी है, बननी है, वो हमारी सारी की सारी बनेगी आर्मेचर के अंदर। अब आर्मेचर के अंदर से हमने अगर ज़्यादा करंट ली, देखो जो हमारा रियोस्टेट है इसकी वैल्यू कितनी है, 1.1 एम्पियर और 800 ओम, ठीक है। अब दिक्कत हमारे सामने ये है कि अगर हम जो आर्मेचर से हमें वोल्टेज मिल रही है, अगर हम इसको जो करंट मिल रही है इसको अगर हम इसके थ्रू कंट्रोल करेंगे तो हमारे सामने क्या दिक्कत आएगी कि जो हमारा रियोस्टेट का जो वायर है, मैग्नेट का जो वायर है, ये हमारा क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होकर जल सकता है। इसलिए सेफ्टी पर्पज से हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जब जनरेटर को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड को करते हैं, ठीक है। फील्ड कंट्रोल मेथड के लिए क्या करना है, सिर्फ जो हमारा रियोस्टेट जुड़ा हुआ है उसको जोकर से जुड़ा रहने देंगे, पर जहाँ हमने पहले फील्ड से उठा रखी थी सप्लाई, अब हम सप्लाई उठाएंगे आर्मेचर से, ठीक है। कनेक्शन भी आसान है, इजी है, इस बार हमने टर्मिनल जो लगाया वो यहाँ पे लगाया। अब इसको फिर से दोबारा चला के देखते हैं एक बार, अभी भी 500 के आसपास मिल रही है। अब जब हम इसको धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी करंट है वोल्टेज है उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो रही है। थोड़ा सा अंतर एक चीज़ का है कि देखो इसमें हमने लगभग इसको 50% को मूव कर दिया, 50% मूव होने के बाद आपकी जो वोल्टेज आई है 400 वोल्ट के आसपास ही है, 400 वोल्ट, ठीक है। जबकि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में ऐसा नहीं हो रहा था, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता, आप रियोस्टेट को हल्का सा मूव करा रहे थे तो मूव कराने पर करंट की वैल्यू, जो वोल्टेज की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर गई थी, ठीक। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, ये हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। देखो इसमें हमने क्या किया है, इस बार रियोस्टेट को जो लगा रखा है फील्ड आर्मेचर के सीरीज में लगा रखा है। अब इसमें आप देखोगे हम इसको इतना सा मूव करा रहे हैं इतना सा, और हमारी वोल्टेज देखो आप कितनी ज़्यादा डाउन हो सकी, वोल्टेज लगभग हमारी 400 वोल्ट के आसपास आ चुकी, थोड़ा सा मूव कराने पर ही, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा मूव कराओगे, ठीक है, वोल्टेज हमारी बहुत तेज़ी से गिर रही है, जबकि फील्ड कंट्रोल मेथड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जितनी भी वोल्टेज बन रही है, करंट बन निकल रही है आर्मेचर से निकल रही है, सब आर्मेचर में, ठीक है। अब आर्मेचर से जो करंट निकल रही है आपने उसे इस रास्ते में लगा दिया रियोस्टेट, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे जितनी भी करंट बिल्डअप हो रही है आर्मेचर के थ्रू वो सारी की सारी इसके थ्रू ड्रॉप करा दे रहा है, ठीक है। और तो जो फील्ड में हमारी जो सप्लाई जा रही है वो भी कम जा रही है, जब वो कम जा रही है तो आपकी वोल्टेज अब मिलेगी कम, ठीक है भाई। ये तो था हमारा डीसी शंट जनरेटर को स्टार्ट करना और वोल्टेज को बनाना, वोल्टेज को कंट्रोल करना, तीनों मेथड एक भी बना, तीनों मेथड, ठीक है भाई। एक चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ध्यान रखना जितने भी आपकी मोटर जनरेटर होते हैं उनके ऊपर डायरेक्शन बनाई जाती है कि किस डायरेक्शन में आपका मोटर को रन करना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्लॉकवाइज लगा हुआ है, अगर मोटर के अकॉर्डिंग देखें तो क्लॉकवाइज लगा हुआ है और जनरेटर के अकॉर्डिंग देखें तो एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है। तो यानी कि हमें जो मोटर घुमानी है वो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमानी है। एक बार इसको घुमा करके देखते हैं, देखो, ठीक है, इसको हमने घुमाया। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम इसको बंद करते हैं तो इसकी रुकने की जो स्पीड है बहुत जल्दी रुक जाता है ये, क्योंकि ये वोल्टेज इस टाइम बना रहा है, जनरेटर पे लोड लगा हुआ है, इस वजह से क्या होता है ये जो हमारा ये
क्या कहते हैं जनरेटर बहुत जल्दी रुक जाता है। अब थोड़ा सा एक चीज चेंज करके देखते हैं, अगर हमारा जनरेटर वोल्टेज ना बनाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान रखना। हमने क्या किया, सप्लाई के दो टर्मिनल बदल दिए। हमने जैसे सप्लाई के दो टर्मिनल बदले तो हमारा जो प्राइम मूवर है इसके घूमने की दिशा बदल जाएगी। जब इसके घूमने की दिशा बदल दी हमने, अब इसके बाद हम इसको चलाते हैं तो ध्यान रखना, पहली बात आपको आवाज़ से पता लग जाएगा कि जनरेटर जो है हमारा फ्री घूम रहा है, और जब आप इसको बंद करोगे तो रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, कम से कम एक मिनट के आसपास ले लेगा रुकने में, ठीक, क्योंकि स्टेप पे बिल्कुल फ्री घूम रहा है, वोल्टेज नहीं बना रहा है। पर जब वोल्टेज बनाएगा तो क्या होगा, ये लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर रुक जाएगा, ठीक है। अभी आपने पहला ये देख लिया, इसको दूसरा केस भी देखते हैं भाई एक बार। आपने इसका टाइम नोट कर लिया, लगभग 30 से 40 सेकंड के आसपास ये रुक रहा है। अब जब हम इसको वोल्टेज बना रहे हैं, जनरेटर बना रहा है, अब देख रहे हैं इसको रुकने की स्पीड, जो रुकने का टाइम कितना लेता है, ये मुश्किल से 10 सेकंड ली होगी इसने, और हमारा जो जनरेटर है वो रुक चुका है।